लास्ट क्लास हमने फिनॉल्स देखी थी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक, तो फिनॉल हमने देखा कि क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है और उसके ऊपर OH जुड़ा है। ठीक, इसमें इसका नेचर होता है एसिडिक। फिनॉल कैस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। दो रीजन है एसिडिक नेचर के, एक तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ रिंग, रिंग का माइनस आई इफेक्ट। ठीक, रिंग क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से पूरे करेगा, हाइड्रोजन से पूरे कर देगा, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। ठीक, दूसरा रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में रीजन क्या था कि जो यहां से फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबल होता है, जिस कारण H प्लस आसानी से बाहर निकल जाता है। फिनॉक्साइड आयन स्टेबल क्यों होता है, रेजोनेंस के कारण, इसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहीं से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू होती हैं। ठीक, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, जो एरोमेटिक रिंग होती है ये किस टाइप की रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एरोमेटिक रिंग है, देखो ये एसिडिक नेचर के कारण तो यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, OH पे, और रिंग के कारण जो रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करेगा। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करेगा। और आगे जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो कौन कौन सी हैं, हैलोजिनेशन, और इसमें जनरली कौन सा, ब्रोमोनेशन। ठीक, दूसरा नाइट्रेशन। ठीक, तीसरा सल्फोनेशन, और चौथा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट में दो टाइप की रिएक्शन आती है, एक को बोलते हैं क्या, एसाइलेशन, दूसरा एल्काइलेशन। तो ध्यान रखना है क्या कि जहां पे एरोमेटिक रिंग आएगी तो उसमें चार टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो पहले यही देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ, या ऐसे बोल दें पहली प्रॉपर्टी है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, किसमें होगी, फिनॉल में होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने से पहले हम जान लें कि जो फिनॉल है, ठीक, जब रिंग आती है तो रिंग क्या दिखाती है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करती है, मेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करती है। ठीक है, OH ग्रुप, जो हमारा OH ग्रुप है ये क्या करता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की तरफ
जाता है, अंदर की तरफ जाता है। जब रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की तरफ जाएगा ना रिंग में, तो ये इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो जो हमारे पास OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने का मतलब क्या है कि जो आने वाला ग्रुप है वो इस OH की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह पे कोई पॉजिटिव चार्ज आके जुड़ जाएगा। ठीक, पहली रिएक्शन देखते हैं इसमें, ब्रोमोनेशन। ब्रोमोनेशन मतलब ब्रोमोन को जोड़ना। ठीक, इसकी रिएक्शन दो टाइप की, अगर जो हम डायरेक्ट ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें, ठीक है, Br2, तो यहां पे हमें मिलेगा ट्राइब्रोमोफिनॉल। रिएजन ध्यान रखना, जब हमने क्या कराई, डायरेक्ट Br2 से रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिल गया, ट्राइब्रोमोफिनॉल हमें मिल गया। ठीक, यहां से क्या होगा, Br पॉजिटिव चार्ज हमें मिलेगा। ठीक, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा है यहाँ पे कि फिनॉल, कि रिएक्शन अगर जो हम Br2 से ही कराएं, ठीक है, पर यहाँ पे कोई लुईस एसिड रख दें, तो लुईस एसिड हो गया हमारे पास कार्बन डाई सल्फाइड मान सकते। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई, तो ये रिएक्शन सिमट जाएगी और हमें ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन ये ध्यान रखना कि पहले अगर जो हम डायरेक्ट ब्रोमीन से करा रहे हैं तो हमें तो ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा। ठीक है, नाम क्या हो गया, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक, आइए ऑर्थोफिनॉल, और ये हो गया पैराफिनॉल। ऑर्थोफिनॉल और पैराफिनॉल, तो ये पहली रिएक्शन हो गई हमारे पास ब्रोमोनेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है इसकी, नाइट्रेशन। दूसरी रिएक्शन लिख देते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप का जुड़ना। ठीक है, एडिशन ऑफ NO2 प्लस नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना। अब जैसे मैंने कहा कि ये ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग है, ठीक, तो NO2 ग्रुप भी कहाँ जुड़ेगा, जनरल जो रिएक्शन होगी वहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो अगर जो हम क्या करें, फिनॉल की रिएक्शन, ठीक, HNO3 से करा दें, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, ठीक है, HNO3 से करा दें क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो HNO3 है हमारे पास, ये बनाता है NO3 माइनस NO2 प्लस और H2। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है,
ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा। इस वाली रिएक्शन में ऐसे एच एन ओ थ्री काम करता है। दूसरी रिएक्शन जो नाइट्रेशन की है, तो इसमें क्या है कि फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पे टू एच एन ओ थ्री कर देंगे, ठीक है, एच एन ओ थ्री से कराए, ठीक, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट एच टू एस ओ फोर की प्रेजेंस में, ठीक। तो कंसंट्रेट एच टू एस ओ फोर के साथ क्या होता है, कंसंट्रेट एच टू एस ओ फोर क्या है, एसिड है, ये एसिड है, तो ये किसकी तरह काम करने वाला है, बेस की तरह काम करने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये बेस की तरह काम करेगा, तो एच एन ओ थ्री यहाँ पे क्या करता है, एन ओ टू प्लस प्लस ओ एच माइनस, तो यहाँ से हमें एन ओ टू प्लस आयन मिल जाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एच टू एस ओ फोर के रिस्पेक्ट में, और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा ये, ठीक है, इसका नाम क्या है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल या पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक हो गया। तो ये वाला हमारे पास पिक्रिक एसिड हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक। तीसरी रिएक्शन आती है इसमें, तीसरी रिएक्शन आती है इसमें सल्फोनेशन, एसओ थ्री एच प्लस ग्रुप का जुड़ना, इस ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, सल्फोनेशन कहलाता है, ठीक है। तो फिनॉल आएगा, जैसे पहले बता रखा है, सिंपल से पहले जैसे रिएक्शन होनी है, सल्फोनेशन होता है एच टू एसओ फोर की प्रेजेंस में, ठीक हो गया। तो एसओ थ्री एच ग्रुप जोड़ देंगे हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन, तो इसका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो गया, और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो गया, ठीक। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार कन्वर्जेंस में यूज होती है, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं एसाइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप का जोड़ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ इस ग्रुप का जोड़ना, ये भी कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा। तो ये रिएक्शन किस हिसाब से जाती है, फिनॉल हमारे पास है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप एसाइल क्लोराइड से कराएं, ठीक, किसके प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो लुईस एसिड ए एल सी एल थ्री हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। तो ये ऑर्थो और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास एसाइल क्लोराइड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यहाँ पे क्लोरीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ए एल सी एल थ्री लुईस एसिड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी इसकी तरफ जाएंगे, तो ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और हमें मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन पे प्लस चार्ज प्लस ए एल सी एल फोर माइनस, तो यहाँ पे हमें ये इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है, जो यहाँ आके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, ठीक।
तो ये है एसआईएल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का दूसरा रूप है एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा वहां पे, आर की जगह पे कुछ भी रख के सी रख दिया, तो यहाँ से एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अपना कोई भी एल्काइल ग्रुप रख के वहां पे रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, उसके एग्जांपल बना सकते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जब किसी एल्काइल हैलाइड से कराएं, ठीक है, जैसे मैं करा दूँ आरसीएल से करा दूँ, ठीक है, कोई भी एल्काइल हैलाइड और उसका लुईस एसिड ले लिया हमने, ठीक है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, तो सेम क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक। तो यहाँ पे हो गए मैं ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये थी फिनॉल्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इसकी अदर रिएक्शंस।